भारतीय संस्कृति में काफी विभिन्नताएं हैं। प्रत्येक राज्य का रहन सहन अलग है और उनकी बोली भी अलग है। यही बात की खास बात है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति होते हुए भी हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये बात सोलन में फिलफोर्ड फोरम द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में साबित होती है, जिसमें मिनी बात के दर्शन करने को मिले। भारतीय संस्कृति में काफी विभिन्नताएं हैं। प्रत्येक राज्य का रहन सहन अलग है, उनकी बोली भी अलग है, उनकी परंपरागत वेशभूषाएं भी अलग हैं और यही भारत की खास बात है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति होते हुए भी हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये बात सोलन में फिलफोर्ड फोरम द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में साबित होती है, जिसमें मिनी भारत के दर्शन करने को मिले, जिसमें कलाकार अपने अपने राज्य के परिधानों में परंपरागत वाद्य यंत्रों के थाप पर नाचते नजर आए। उनकी बोली अलग थी, लेकिन सभी एक दूसरे के भाव समझ रहे थे। यही भारतीय समृद्ध संस्कृति है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है और यही लक्ष्य फिलफोर्ड फोरम का है कि भारत के युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना भागे, बल्कि वे अपनी संस्कृति को पहचाने और भारत की एकता व अखंडता बनी रहे। यहाँ आए कलाकारों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कलाकार यहाँ आए हैं, वे सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन उन्हें अपने घर की तरह लगता है और सभी लोग बेहद मददगार हैं। वही सभी कलाकार बेहद गर्व से अपने अपने राज्य की संस्कृति और प्रस्तुत करने वाले नृत्यों के बारे में अवगत करवाया और उनकी विशेषताएं भी बताई, जिसे देखकर और सुनकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। मेरा नाम फलक है और हम यहाँ हिमाचल सोलन में पहली बार आए हैं और हम अपने छत्तीसगढ़ के नृत्य कर्मा डांस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ आदिवासियों में खुशी के समय जब फसल कटाई होती है तो इस डांस इस नृत्य को किया जाता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के प्लेस और यहाँ का जो दृश्य है, सब प्रकृति बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम ध्वनि राजगोर है। हमारे ग्रुप का जो नाम है वो विजुलाज मांडवी है। गुजरात से आए हुए हैं हम और हम यहाँ पे सोलन में फिलफोर्ड फोरम ने जो ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं हम। वही हिमाचल में आके तो हमें अपना घर जैसा ही लगता है। यहाँ पे जो सारे हैं वो हमारे मतलब घर के ही लोग लगते हैं हमें। जो हमारा जो ट्रेडिशनल डांस है वो गुजरात का गरबा है, वो हम आज शोभा यात्रा में करने जा रहे हैं। मेरा नाम शरण्या है और हम लोग शरण्या नृत्य कला केंद्र ग्रुप से हैं और हम पहली बार यहाँ हिमाचल शिमला सोलन में आए हैं। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड टू बी हियर। हमें बिहार से पर्टिकुलरली बुलाया गया इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम के लिए फॉर ऑल ओवर द इंडिया, सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड टू बी हियर एंड ऑल आवर टीम मेम्बर्स आर डूइंग वेरी बेस्ट। और यहाँ पे जितने भी ग्रुप आए हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं विश करती हूँ कि वो भी खाली हाथ ना जाए, उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। वो ढोल पे हम जो होता है वो डांस होता है हमारा, बीट्स के हिसाब से होता है। पिछले हम 4 साल से आ रहे हैं, 2 बार हमने प्राइज जीता है, तो उम्मीद है ये बार भी हम जीतेंगे ही। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारा जोगवा नाम का डांस है जो एक्चुअली किन्नर लोग करते हैं, तो हमारे मेल्स लेडीज़ के गेटअप में रेडी होने वाले हैं और ये माता का डांस है जिसको जोगवा कहा जाता है। पहली बार आई हूँ हम लोग, बहुत अच्छा लगा। हमारे इम्फाल मणिपुर जैसा लगा, अपने घर जैसा लगा। लोग बहुत अच्छा है, भाई बहन सब अपने जैसे लगते हैं। भक्तों चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।